हेलो दोस्तों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है एक डीसी मोटर जो कि काफी ज्यादा काम आती है, लेकिन इसकी हालत देख लो कितनी खराब हो चुकी है। बेचारे को किसने पीट दिया है ऐसा लगता है। ये पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी है, कुछ भी काम नहीं कर रही है। देखो शेफ्ट के ऊपर भी कुछ कट लग गया है, पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी है। ये अच्छे से चल रही थी, ये स्मूथ है, ऐसा नहीं कि जैम हो चुकी है, स्मूथ है, लेकिन फिर भी घूम नहीं रही है। वोल्टेज दो, सीधी करो, पलटा के लगाओ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी ऑन नहीं हो रही है। देख सकते हो आप, थोड़ी सी भी घूम नहीं रही है। लेकिन आज हम इसी मोटर को पूरा फुल रिपेयर करने वाले, इसके सभी फॉल्ट में आपको बताऊंगा और इसको चालू करके ही रहने वाले आज हम। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो देखो बैटरी को मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ, इस दूसरी मोटर के साथ कनेक्ट करवाते कि बैटरी अच्छे से ठीक है, हमारी बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। वो जो मोटर है वही खराब है और उसी को हम रिपेयर करने वाले। आप सिर्फ ये इस तरीके की ही नहीं, आप किसी भी तरीके की मोटर जो कि डीसी एसी मोटर है तो कोई भी आप रिपेयर कर सकोगे अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करना होगा हमें। तो देखो आप ठीक से देख लो कि यही मोटर है और इसी को रिपेयर करने वाले है। तो मैंने इसको शिकंजी के अंदर कस लिया है जिससे कि ओपन कर सकूं। अगर आप आपके पास शिकंजी नहीं है तो आप ऐसे ही रख के कैसे भी पीट पीट के इसको जो पिछला वाला कवर है उसको निकाल देना, लेकिन ध्यान रहे कि जो अंदर मैग्नेट्स है उनपे मत पीटा जाए वरना वो टूट जाएंगे। और इसके ऊपर चार लॉक्स रहते हैं जो कि हमें खोल लेने होंगे। तो मैं इनको खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने चारों लॉक जो थे वो पीट पीट के खोल दिए। अब सिंपली आपको आगे से शेफ्ट को थोड़ा सा धक्का देना है जिससे कि ये नीचे जो एरिया है वो बाहर निकल जाए, और इसके बाद आपकी पूरी की पूरी मोटर ओपन हो जाएगी। तो अब हम एक एक पार्ट को देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है किस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो मैग्नेट को देख लेते हैं। मैग्नेट तो एकदम अच्छे है लेकिन थोड़ा सा रस्ट आ चुका है इनके ऊपर, जिसकी वजह से शायद थोड़ा जैम चल रहा होगा। लेकिन चल ये पूरा बंद हो चुका है, थोड़ा सा जैम हो चुका होगा लेकिन वो इसका प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा जैम से कुछ नहीं होता। देखो रोटर भी पूरा का पूरा ठीक है लेकिन थोड़ा सा रस्ट है। तो हम इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये आके आपको देख लेने, ये जो वायर है छोटी छोटी जो कॉयल के तार से वो आपको देख लेने की पूरे कनेक्ट है या कहीं से सोल्डर टूट चुका है या कुछ हो चुका है। तो इस कंडीशन में तो हमारे मोटर के सभी सोल्डर भी ठीक है जो कि आप कैमरा में देख सकते हो। अगर आपका कोई टूटा है तो आपको सोल्डर कर लेना है, लेकिन ये रोटर भी पूरी तरीके से सही है, हमारा ये जो मैग्नेट है ये भी पूरी तरीके से सही है। तो इसको इसके अंदर लगा देते हैं। इतने जो पार्ट्स मैंने दिखाए आपको ये तो पूरे के पूरे सही है, फिर भी हमारा मोटर घूम नहीं रहा है। तो चलो इसको साइड कर लेते हैं, ये पार्ट देख लेते हैं इसमें कोई गड़बड़। पिछले वाले जो टर्मिनल है वो भी ठीक है। अरे हाँ देखो, आप देख सकते हो ये जो इसके ब्रश है वो इधर उधर मुड़ चुके हैं। ये कब मुड़ जाते हैं? जब हम मोटर को पानी में इस्तेमाल करते हैं या कुछ ज्यादा वोल्टेज देते हैं या कुछ ज्यादा अगर वो जैम हो जाती है तो भी हम उसको बाहर से जो शैफ्ट है उसको घुमा देते हैं। तो ये जो ब्रशेस है अंदर के वो चिपकने के कारण इस तरीके से इधर उधर मुड़ जाते हैं और काम नहीं करते। तो अब जो पावर सप्लाई मतलब सेल वो कनेक्ट करके देखते है कि अब मोटर घूमती है या नहीं विदाउट ब्रश के। तो अगर ये घूम जाती है तो सही है सब कुछ। तो चलिए देख लेते हैं घूमती है कि नहीं। हाँ ये मुंह तो देखो ये कितनी जोर से घूम रही है, मतलब ये जो हमारा आर्मेचर मैग्नेट ये जो पोर्शन है ये सभी का सभी ठीक है पूरा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो रिवर्स फॉरवर्ड से अच्छे से घूम रहा है, ये थोड़ा पिछला वाला बुश नहीं है अभी इसलिए नहीं चल रहा है। देखो अच्छे से घूम रहा है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा जोर के साथ घूम रहा है, मतलब ये पार्ट जो है सब कुछ ठीक है हमारा इस मोटर का। तो ये जो ब्रशेस है उनमें ही प्रॉब्लम है, तो इनको जरा ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके टूट ही चुके हैं तो आप वहाँ पे जो कॉपर के तार आते हैं थोड़े मोटे लगा लेना तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये ठीक हुए तो इनको ही ठीक करना, क्योंकि ये ब्रशेस के ऊपर ही मोटर की जो पावर रहती है वो कम्प्लीटली रहती है। तो इनको इस तरीके से जरा बेंड कर लेते हैं और थोड़ा पास में लाना है, लेकिन शॉर्ट नहीं कर देना है, अगर आपस में शॉर्ट कर दोगे तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। तो सिर्फ पास में लाना है जो कि वो आर्मेचर का जो पिछला वाला जहाँ पे ब्रश चलते हैं वहाँ पे कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो अब इसको इसके अंदर लगा के देख लेते हैं ब्रश कनेक्ट हो रहे है या नहीं। तो देखो इसके अंदर ब्रश कनेक्ट हो चुके हैं, अच्छे से ये घूम रही है, कुछ ब्रश अटक नहीं रहे हैं और फिर भी वो जो जहाँ पे चलने चाहिए वहां पे अच्छे से चल रहे हैं। अब इसको इसके अंदर लगा के देख लेते हैं कि घूम रहा है या नहीं। अभी तो घूमना ही चाहिए, या फिर अगर कोई नहीं घूमा तो हम फिर भी इसको रिपेयर करेंगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा,
मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये लगा दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा घिस लेता हूँ क्योंकि ये जो हमने टर्मिनल्स जो भी हमारे लॉक थे वो खोले थे वो तो फिक्स नहीं होंगे टोकने से, तो इसको थोड़ा सा मैंने घिस लिया है। अब हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप जो एरल्डाइट आता है वो लगा सकते हो, एमसील आता है वो लगा सकते हो, फेविकिक नहीं लगाना। अगर फेविकिक लगाओगे और वो ब्रश के अंदर या मोटर के अंदर चला जाता है तो आपकी मोटर जैम हो जाएगी और कभी नहीं खुल फिले घूम पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सोल्डर कर लेता हूँ, मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है नहीं तो आप एमसील एरल्डाइट मैंने बता दिया आपको, जो भी कुछ ऑप्शंस थे वो आप कुछ भी लगा सकते हो। सिरे पे जो पिछला वाला ढक्कन है ये घूमना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगी। तो इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अभी भी बने रहिएगा, मैं आपका पावर गीवर सब कुछ इस मोटर का टेस्ट करवाने वाला हूँ कि ये अच्छे से वर्क कर रही है या सिर्फ घूम रही है क्या कुछ, ये अच्छे से ही वर्क करेगी क्योंकि हमने कुछ भी सिर्फ इसको रिपेयर किया है, कुछ पार्ट्स नहीं चेंज किए। तो आप दोस्तों वीडियो में अभी भी बने रहिएगा, आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको सागर रोबोटिक्स अच्छा लगता हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो देखो मैंने दोनों साइड से सोल्डरिंग आयरन के द्वारा सोल्डर कर दिया है, अब इसके ऊपर और ज्यादा सोल्डर करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये निकलने वाली नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत जिससे कि ये निकल ना जाए और अगर फिर से कभी प्रॉब्लम आता है तो सोल्डर निकाल के हम इसको फिर रिपेयर करेंगे, लेकिन इस मोटर को हम फेंकेंगे नहीं कभी भी क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है। ऐसा नहीं है कि मोटर 20 रुपए 50 रुपए 10 रुपए की मिल जाती है तो खराब हो गई तो फेंक दो, वो रिपेयर हो सकती है तो रिपेयर करना ही चाहिए। तो देखो मैंने इसको सोल्डर कर दिया है, अब मैं शिकंजी के अंदर से इसको निकाल लेता हूँ और फिर आपको इसका पूरा पावर टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में सोल्डर कर दिए अच्छे से, ये अच्छे से बैठ चुका है, अब ये नहीं खुलने वाला जब तक डी सोल्डर नहीं करोगे, ये इजीली घूम भी रहा है और ये वही मोटर है आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, जो बाइक के इंजन में डालते हैं हम वो डाल सकते हो या फिर अपना जो कोकोनट ऑयल रहता है वो भी डाल सकते हो, लेकिन खाने वाला कोई भी तेल मत डालना वरना मोटर जैम हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ से थोड़ा ऑयल डाल दिया, अब हम इसको पावर देके टेस्ट करवा लेते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। वर्क तो करेगी 100% करेगी, हमने उसको रिपेयर जो किया है। तो देखो ये घूम रही है, काफी तेजी के साथ घूम रही है, आप देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रहा है पूरा 100%। तो देखो ये मोटर को अब मैं आपको पंखुड़ी जो भी प्रोपेलर है वो लगा के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये जो प्रोपेलर आप देख सकते हो एग्जॉस्ट वाले प्रोपेलर है, काफी ज्यादा एयर फिट है, तो इनका भी वीडियो अपनी सागर रोबोटिक्स चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन में डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना। तो देखो ये वही मोटर है और काफी ज्यादा पावर के साथ घूम रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल के जो बाकी वाले वीडियो है वो भी देख लो, आपके काफी काम आने वाले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मैं मिलता